ये है प्रोपोर्शनेट ब्रेक का। तो ये सर्किट देखिए कैसे काम करता है, कैसे ट्रेन ब्रेक का साथ में लोको ब्रेक अप्लाई होता है। आप जब A9 हैंडल से BP ड्रॉप करते हैं तो ये C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में क्या होता है, देखिए इसका जब डिस्टरबेंस होगा तो MR4 का प्रेशर ये रास्ता से आएगा, ये रास्ता से आके इधर में घुसेगा, फिर इसको ऊपर में लिफ्ट करेगा, ये गेट आके यहाँ पर क्लोज होगा, और ये MR का प्रेशर इधर से आके फिर लिमिटिंग वाल्व में एडमिट होगा। लिमिटिंग वाल्व क्या करता है, इसको 1.8 kg/cm² में रिड्यूस करता है। उसका बाद में वो प्रेशर आ जाएगा मैकेनिकल VEF में, फिर मैकेनिकल VEF क्या करेगा, वही MR4 का प्रेशर को यहाँ एडमिट करेगा, ये गेट आके यहाँ पर लॉक होगा, और ये प्रेशर इधर से आके, ये F1 सिलेक्टर वाल्व है, F1 सिलेक्टर वाल्व का पोर्ट नंबर 4 और 16 कनेक्ट होगा, होके ये आ जाएगा डबल चेक वाल्व में। ये है डबल चेक वाल्व। डबल चेक वाल्व में आ जाने का बाद में फिर से प्रेशर इधर से होके फिर आ जाएगा C2 रिले वाल्व फॉर IAB में। फिर C2 रिले वाल्व क्या करेगा, वही MR4 का प्रेशर को एडमिट करेगा, ये गेट आके यहाँ पर लॉक होगा, और ये प्रेशर इधर से आके सीधा चला जाएगा लोको ब्रेक सिलेंडर में। इसमें हम लोग 1.8 kg/cm² प्रेशर देख पाएंगे। और इधर में देखिए ये है इलेक्ट्रिकल VEF। इलेक्ट्रिकल VEF यानी कि हम लोग जब PVEF को प्रेस करते हैं उस टाइम में इलेक्ट्रिकल VEF एनर्जाइज होता है। ये जब हम लोग चाहेंगे कि ट्रेन ब्रेक का साथ में लोको ब्रेक अप्लाई ना हो उसी टाइम में हम लोग PVEF को प्रेस करते हैं। तो PVEF को प्रेस करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल VEF एनर्जाइज होगा, ये जब एनर्जाइज होगा इसको ऊपर के ओर खींचेगा तो ये गेट आके लॉक होगा, ये गेट लॉक हो जाने का बाद ये MR4 का प्रेशर इधर से होते हुए इधर में आ जाएगा, और लिमिटिंग वाल्व से इधर से 1.8 kg/cm² प्रेशर आ रहा था, और इधर से 8.5 से 10 kg MR प्रेशर आके लिमिटिंग वाल्व से जो 1.8 kg प्रेशर आ रहा था इसको सप्रेस करके रखेगा। तो क्या होगा, ये प्रेशर और F1 सिलेक्टर वाल्व होके डबल चेक वाल्व होके C2 रिले वाल्व में नहीं जाएगा, लोको ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर नहीं दिखेगा, मतलब ट्रेन ब्रेक का साथ में लोको ब्रेक अप्लाई नहीं होगा।